एक साहब ने सिंध हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी कि जी 10 ग्राम चर्स जो है वो हर बंदे को आम कर दी जाए। मेरा घूंघट उठाया, मैंने कहा मुंह दिखाई में क्या देंगे, तो कहने लगे गर्दा। और गिल के तो बांदरा को चपेड़ा खाना ले। जिद्दन की मैं एप्लीकेशन दीती, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस माफ हो गई। देख लिया, प्रिंसिपल भी पींदा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल और मैं आपको द जान रैम्बो शो में खुश आमदीद कहता हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। अजीबो गरीब टॉपिक है। पिछले दिनों आपने टेलीविजन पर देखा होगा कि एक साहब ने सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी कि जी 10 ग्राम चर्स जो है वो हर बंदे को आम कर दी जाए ताकि पीने वालों को कोई तंग ना कर सके। अजीबो गरीब खबर है कि नहीं? और मोहतरम जज साहब ने जो उसके साथ किया वो तो क्या बात है, मज़ा आ गया, कलेजा ठंडा हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने शो में उनको बुला के ज़रा हम भी पूछें कि भाई तेनू होया की सी, तेनू ख्याल की आया कि किस किस्म की तू दरख्वास्त देती है। इस तरह की दरख्वास्तें जाएंगी तो फिर तो काम तो नहीं चलेगा ना। इस तरह के लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए जो इस तरह की इजाज़त मांगना चाहते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं रिजवान चर्सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आप तो अच्छे खासे मुअज्जज आदमी लगते हैं। चर्सी नहीं ना लगता? नहीं नहीं। मुअज्जज आदमी थे आजकल चर्स पी रहे हैं। ये आप गलत बात कर रहे हैं यार। मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। कैसे? यकीन करो, ऐ तुसी कैमरे बंद कराओ। हाँ जी। मेरे नाल जरा पीछे चलो। स्टूडियो दी बैक साइड ते छोटी जी जगह बड़ी। हाँ हाँ। दोवें भरा एक एक सिगरेट पीने, तुहाडा शो छत नाल लगदा। बहुत अच्छे। मैं अपना शो छत नाल नहीं लाना, मेरा फर्श ते ही रहन दियो। खबरदार मैनू ऑफर कीती, मैं अलहमदुलिल्लाह सारी जिंदगी मैं सादा सिगरेट नहीं पीता, तुसी मैनू चर्च दी दावत दे रहे हो। छत ते शो लगन दियो। ओ यार छत ते मैं नहीं लाना। हां जी ठीक है, नॉर्मल ठीक। रोल फिर इत्थे गुलबर्ग के कनाल दे घर दे विच। मैं की करां? अच्छा, मैं चाह रिहा कि अच्छे पंज चार कनाल दे घर दे विच होवे भाई। जी जी। चार पांच गड्डियां लगियां हो। अच्छा। विच छे सिगरेट लगे। यार आप इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकते? सही नाम किसी ने रखा है रिजवान चर्सी। ओ भाईजान बात सुने, यकीन करें। हाँ, मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ? उर्दू में करें, क्यों नहीं कर? हाँ, मैं नहीं करनी। मुअज्जज आदमी लगते हैं यार आप। यकीन करो। हाँ? सिगरेट लाया हो। हाँ जी। चर्स वाला। हाँ जी। हाँ 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 हाँ। मैं एक दिन सिगरेट लाया चर्स वाला जी, और मोटरसाइकिल से जा रहा। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ? ਚਰਸਲਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਅਚਾਨਕ ਚੈਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। यार आप अजीबो गरीब सियासी चर्सी हैं, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। और लेना जो इस्लामाबाद जो है। यार अर्द हो गई है। जिन्ने भी शायर ने, जिन्ने भी सिंगर ने। हाँ जी। ये जो तक चर्स वाला सिगरेट ना पीने ना आमद नहीं होंगी। अब आप तोहमत लगा रहे हैं यार, आप बगैर सोचे समझे ही गलत बात कर रहे हैं। सब सिंगर और सब शायर अब गलत बात कर रहे हैं। वसी शाह साहब क्या हुआ, बड़े शायर ने। हाँ हाँ, माशाल्लाह बड़ा नाम है। ये जदों तक चर्स ना पीन इन्हां नूं ज़ूम नहीं, शायरी दी आमद नहीं जे हुंदी। रिजवान मैं तैनूं उठ के टक्कर मार देनी है। मैं उन्हें जाती तौर पे जानता हूँ। आप गलत बात कर रहे हो यार, मेरे खिलाफ करना। वो शाह साहब वो शो देख रहे होंगे, मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। अब मैंने जिंदगी में उन्हें नहीं देखा, मैं उन्हें 27 साल से जानता हूँ। ऐसे टक्कर तो तुम्हारी पिंडी तो बहुत मशहूर है, इसलिए मैं ऐसी गल ही नहीं करता कि तुम मैं टक्कर मारो। लेकिन मैं सच कह रहा जे वसी शाह साहब 110% चर्स पीते ने। बल्कि मेरे नाल एक दो दफा उन्होंने भाभी तो चोरी अपने घर की बैक साइड से सिगरेट पीते ने जनाब। यार आप गलत बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता। उन्होंने बचपन के यार जो सरगोदे होंगे ने उन्होंने चर्स पीनी होंगी है, भावें भाभी को झटका खा ले। यार मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आप पता है ना मनना, आप छोड़े ना मनना, केड़ी इथे गवर्नमेंट नहीं चलने। आप ज़ातियात पे उतर आए हैं, आप तशरीफ रखे, मैं अगले मेहमान को बुलाता हूँ। प्लीज तशरीफ। बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, मैं अब अपने दूसरे मेहमान को बुलाने लगा हूँ। जे आपकी बेगम साथ आई है? जी जी, मेरी जी, जी, मैं इनकी बेगम को बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ जी कि वो कैसे इनके साथ अपनी जिंदगी की बसर कर रही हैं। तो तशरीफ लाती हैं मिसेस चर्सी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इतने बड़े बड़े शोज में गई लेकिन इतनी बदतमीजी से किसी ने नहीं बुलाया, और ये सब किस वजह से हुआ? इस चपड़ कराती की वजह से। ना ये चर्स पीता, ना ये पोटे सारता, और ना ये हमारी बेइज्जती हो रही होती। पोटे सारता क्या मतलब? मतलब देखा है ना पीते हुए। अच्छा, आपने सिर्फ देखा है, आप कहीं इनका साथ तो नहीं देती? अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसे दौड़ में जोड़े लगे होते, उधर बैठे देखकर।
इस तरह तो नहीं होता। हो गया आपका? जी हो गया। शर्म नहीं आ रही, मतलब एक खानदानी औरत यहाँ पे आई हुई है, मैं फंस गई इस चबड़खानाती है। मैं अगर मुझे पता होता कि ये मखनचू चट्स पीता है, मैं मर जाती, इससे निकाना करती। लेकिन दुख की बात यह है कि शादी के बाद पता चला कुछ नहीं कर सकती, मरती क्या ना करती, अपने 6 बच्चे लेके गुजारा करती। 6 बच्चे लेके? हाँ। अभी आप इसके साथ खुश नहीं है? नहीं। तो 6 बच्चे हैं? हाँ। तो खुश होती तो हाथ साथी तौर पे हो गए ना। चर्च पीती होने से पता नहीं लगता जी। अच्छा, अच्छी बात है ये, क्या बात। इस बदतमीज आदमी की वजह से खाली यहाँ पे नहीं, पूरे मोहल्ले में बदनाम होके रह गई हूँ। दही लेने जाओ तो वो कह रहे थे मिसेस चर्सी नू पहले दे दो, मिसेस चर्सी नू पहले दे दो। क्यों डरते हैं वो आपसे? डरते नहीं है, बदनामी चेजे लेते हैं। जैसे पिंडी में सारा पिंडी तेरे नहीं लेता था, पेपर अला। मेरा ख्याल आप भी जाते हैं, उत्तर रही है, आप भी तशरीफ लगे। मैं अपने अगले मेहमान को बुलाता हूँ। बहुत सारी इसके साथ बैठूंगी, मुझे धुआं चढ़ता है। धुआं चढ़ता है तो आप जिंदगी भी तो इसी के साथ गुजार रही हैं। घर में क्या दीवार खड़ी की हुई है? सर्दियों में भी पंखे चलाती हूँ, धुआं चढ़ता है। अच्छा, तशरीफ रखें, बहुत सारी तालियां। मेरे अगले मेहमान हैं जी, एक ऐसी खातून हैं, लड़की कहूँ खातून कहूँ मुझे समझ नहीं आती, जिन्होंने इन साहब से, रिजवान साहब से आपकी पहले भी एक मंगनी हुई थी। जी जी, वो मंगनी टूट गई है मेरी। मंगनी टूट गई है? हाँ जी। क्यों टूटी है वो बुलाता हूँ जी। इनकी एक सबका मंगेतर है, जो पहले जिन्होंने मंगनी की थी, बाद में उन्होंने मंगनी तोड़ी है, उनसे पूछते हैं जी कि मंगनी टूटने की वजह क्या थी। तशरीफ लाती हैं साबका मंगेतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। थोड़ी हामद ठोकर भी ले आंदी है करके बैठो, बड़ा टोपी वाले काबले का मुंह है तेरा, बहुत अच्छा हुआ। ये क्या मतलब आपका, ये ब्यूटी बॉक्स और साथ में या थोड़ी? मेरे असल में ना पिंपल निकल आते हैं कील। अच्छा, तो ये ठोक के तो मेकअप कर लेते। अच्छा, कील वापस कर देते हैं? हां, कील निकल आते। तो आप वो दूसरी ले लेना, वो जिसके पीछे होता है कील निकालने के लिए, यूं कर वो फिर फूटे जाते। अच्छा, तो दोबारा नहीं। तो इसको आप इसी तरह मार के वापस थोड़ा सा अंदर ठोक लेती हूं, फिर मुझे लगता है कि ये एक निकल आया। मैं जरा सा ना, तुम्हारे हाथ में तस्वीर है, है ना? इल ठोकने वाली। तो मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया आपने? थाने में ने बड़े-बड़े केले ठोके। मैं तो चुप करके बैठा हुआ, तन में दसा तमी से बात करो, मेरा मजाज खुदा है। तू मैंने जान दे, मैं जान दे, मेरा मतलब जानते तो खबरदार इसकी तरफ ना देखना। जान छूटी मंगनी तोड़ के अब कहीं और जाके मुंह काला करना। मुंह काला करवा तू, बड़े चिट्टे मुंह वाले ना बैठी है, मुंह काला करवा। अच्छा अच्छा, चलें लड़े ना। आप मुझे ये बताएं कि इनसे आपकी मंगनी हुई थी? इतनल मेरी 17वीं मंगनी हुई। 17वीं मंगनी, मतलब आप मंगनियां करा के तोड़ती रहती हैं? जी हां, 16 मंगनियां मेरी पहले होनी है। हाँ। तो मैं आपे तोड़ी हैं। क्यों तोड़ी हैं? इससे क्यों तोड़ी है? की दसो तुहानू रैंबो साहब, तो सुनदा तो नहीं ना? नहीं, कोई नहीं सुन रहा। दसो, चलो रहन दे, फिर की गल कर। नहीं, सारे सुन रहे हैं, दसो। अच्छा, जो तो सुन रहे, कोई नहीं, तो फिर फायदा की है? नहीं, सारे सुन। अच्छा, जो सुन रहे थे सारे, फिर कान खोल के, अखां खोल के मेरी गल सुनो जी। जो तो 16वीं मेरी मंगनी टूटी ना हैदराबाद, हां हैदराबाद में पैदल। किसके साथ? एदे नाल नहीं, इना 17वीं हुई है, 16वीं टूटी जी उते। अच्छा, उते गुलाब खान चांडियो दे शागिर्द सी। अच्छा, अपना निसार खान चांडियो। अच्छा, ओदे नाल मेरी मंगनी टूटी। जिस वेले मंगनी पहले टूटी क्यों सी? क्यों? वो पहाड़ा ते चला जांदा सी, कई 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 दिन थल्ले नहीं सी आंदा। अच्छा, मैं के पहाड़ ते चढ़ा रहवे ते मैं अगे ते बैठ के इनू वेट करती रहंगी, इंतजार करती रहंगी, मैं फिर मंगनी तोड़ती। मंगनी पहले मैं किवें तोड़ी? किवें? कागज दा जहाज बना के उते मंगनी लिखिया कि तेरी मेरी मंगनी टूटी, जहाज ओदे नाल सुटिया पहाड़ ते, उहने जहाज कैच कीता। चलो ठीक है, जानी है लाहौर तक जाना, मेरा खड़ा अचार खराब होना। जिस वेल मैं टुरी ना गड्डी चिक्का चक चिक्का चक चिक्का 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 प्लेटफार्म ते मैं उतरी हां, टक टक करके जो मैं उतरी हां ते मैं करके ध्यान मारे एक ना कुत्ते ने चुरमट जिया सुता हाय हाय अजड़ मेरा ख्याल ध्यान रख रहे, कुत्ता कोई चीज चुके ना दौड़।
ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁੱਤੇ ਸਮਝਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁੱਤੋਂ ਮੇ ਸੋਏ ਹੋਏ ਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਬਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕੁੱਤੋਂ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੰਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੰਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਬਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਬਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕਾ ਚਰਚ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਸੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਸੁੱਤਾ ਇੰਜ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਚਰ ਸੀ ਇੰਜ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮਦਬਰ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਲ ਆਇਆ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਰੀਏ ਪੁੱਲ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਟਵਾਈ ਇਹ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਵੱਢਤੀ ਇਹ ਫੇਰ ਬਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਤਾਰ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਤਾਰ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੋਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲੈ ਐਸੀ ਔਰ ਐਸੇ ਕੌਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਉਜੜੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਮੇ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸਕੋ ਸਮਝਾ ਲੋ ਆਪ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਮੰਗਨੀ ਕੀ ਆਪਨੇ ਮੁਝਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤਫਾ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੰਗ ਜੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਤੰਗ ਕਮੀਜ਼ ਤੂੰ ਕੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਤੇਰਾ ਵੇ ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ जी जी लड़े ना आप बैठे काम कमीज ਦਾ ਹੱਥ ਵਾੜ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਆਈਏ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਸਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੋਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਕਰੋ 3 ਕੱਪ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਕੌਣ ਸੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੈ ਦੋ ਤੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਔਰ ਜਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਉਹ ਵੀ ਜਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁਣ ਲੁਆਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਤੁਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਤੇ ਵੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਬੈਠ ਬਤਮੀਜ਼ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੜਵੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਛੜਵੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਦੂਰ ਸੇ ਜੋ ਮਾਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਛੜਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਛੜਵੀ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਪਲਾਸ ਪਾਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਪਲਾਸ ਪਾਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਟਾਪਾ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਕੋ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸਕੋ ਫਿਰ ਯਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ अच्छा जी अगले मेहमान तशरीफ लाते हैं उन्हें मैं बुलाता हूँ जी आपके वालिद हैं और आपके ससुर हैं जी उनसे पूछते हैं जी कि उनको क्या क्या मुश्किलात हैं कि एक ऐसे बंदे के साथ अपनी बेटी ब्याह दी है तशरीफ लाते हैं अब्बा जी चाचा जी की हो गया मेरी सस तेरे बहुत हो गई बस बेटा अपना की है तेन देख के तो मैं आप मर जाना वो तो फिर बहुत हो गई अल्लाह की आई आई है परेशान लग रहे हैं मुझे उसके उजड़ी कहां से वो अपने घर में खुश है पता नहीं की कौड़ा कुट भर के जमती थी अल्लाह माफी देवे ऐसी औलाद कोई बच्ची ना जमे ਨਿਸ਼ੀਲੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸੇੜ ਪਿਆਏ ਚਰਸ ਵਾਲੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਪਿਆਏ ਕਾਕੀ ਮੈਂ 2 ਪਿਆਏ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੈਂ ਬੁੜਾਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪੀਤਾ ਓਏ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨੇ ਵੀ ਪੀਤਾ ਮੈਂ 2 ਕਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸ਼ ਪਕਸ਼ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਨੇ ਬੁਲਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਵੀ ਪੀਤੇ ਹੈ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੜਾਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਬਾਪ ਕੋ ਪਿਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਾਡੋ ਘੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਸਿਰ ਰਾਡੋ ਵਾਲਾ
मेरा ख्याल है आप भी शरीफ बहुत सारी तालियां जी बहुत सारी सबसे पहला सवाल आपसे कि आपको कोई अकल कोई शर्म कोई हया क्या आपको हुआ कि आपने ये दरख्वास्त दी वजह बताएं असल दे विच रैंबो साहब देखो तुसी पूरी दुनिया फिरे हो हर मुल्क दे विच एचआरएस लीगल है यार हर मुल्क में जो कुछ होता है वो हम भी लीगल करते हैं हर मुल्क से तो नहीं कि झूठ बोल दे रहे इस्लामी मुल्क है यार ये क्या बात है मुल्क पता नहीं तुसी घर ही नक्शा बिछा के ओदे ते फिरदे रहंदे साडे मुल्क जी इजाजत ही नहीं हैगी के साडे मुल्क दे विच वेखो शरीफ लोग मेरे अरगे पढ़े लिखे नौजवान जिहड़े ने ओ 10 ग्राम चरस लेके अपनी जेब विच फिरन पुलिस वाले ऐ नहीं तंग करन की फायदा ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਸ਼ਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਝੂਠ ਕੇ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੀ ਅਬ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬੇਹਯਾਈ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਣੀ ਕੀ ਫਿਰ ਤੜਵਾਈ ਤੜਵਾਈ ਕਿਉਂ ਅਸਲ ਮੈਂ ਹਮਾਰੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਗਰਟ ਤੋੜਿਆ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗ ਦੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਿੱਲੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿੱਲੀ ਤੋੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੱਗੀ ਸਮ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਲੈ ਐਡਾ ਤੂੰ ਤਰਖਾਣ ਐਡਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਬਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਗਲਾਸ ਤੋੜੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਖਰ ਟੁੱਟ ਜਾਤਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਾਨ ਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਕਲੀਂਡਰ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਝਨਕਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੋ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੇ ਜੇ ਪੱਕੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ इस बंदे की बेटी की जिंदगी दांव पे लगी कैसे अंग अंग मस्ती बन के बेटी पे ना इल्जाम लगे अंग अंग बाप पे लगे अंग 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 दे विच मस्ती बन के नचे तेरा प्यार मिलेगा यार ये इतने दुखी हैं ये आप खुश रहना चाहते हैं जी 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 खुशी है खुशी है कारोबार कटिया खुशी है खुशी साडे नसीबा जी किथे तो मंगनी साडी फिर हादसा थी तौर ते हुई जदों मैं इनदा मुंह मुबारक वेखे जी ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਥਾ ਜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਥਾ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਚਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੱਤ ਸਾਬਣ ਰੇਗਮਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਿਓ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਰੇ ਲਾਉਣਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਤਜ਼ਾਬ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਟਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਪਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਘੁੰਗਟ ਉਠਾਇਆ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰਦਾ ਹੈ ਗਰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਗਰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਗੋ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਮਲੀਦਾ
फिर इनी के फड़ के तीली दे अगे ला के गर्म करके ओच मिक्स करी इंज भर के इंज इंज ठोक के बिलकुल इंज करके अगो अगो थोड़ा जा बंद करके बंद करके मैं नहीं पता की मैंने इस बंदे से कहा कि तुम ये नशा छोड़ दो ये सरासर बदनामी है तो मुझे कहने लगा बेगम तुम भी ग्रीन पेस्ट लिया करो ग्रीन नस्वार अच्छा नस्वार भी हाँ जी बिल्कुल मैं एक सवाल करना चाहनी सारे सवाल करते जी जी तुहानू कदी एडी अग लगी सी छेती विआह करन दी क्यों क्या हुआ मैं मार्केट च नहीं सी आना तुसी मेरे नाल खलो के अपनी जोड़ी चेक करो कि मैं तुहानू ज्यादा चंगी लगी नहीं कि साहिबा तुहानू ज्यादा चंगी लगी इहो जी शरीफ औरत नाल तुसी विआह कर लिया जिहड़ी ना उच्ची बोलदी है ना कोई करारियां गालां उहनू आउंदियां ने है मेरे नाल विआह कीता होवे तुहाडे कन्न लाल कीते होंदे सुबह सुबह उठ के तुहानू तक पता जांदा भी विआह हुंदा की है क्यों पूरे मोहल्ले के नामे आते सुबह शाम तब आपको मजा आ जाता ब्याह कीता ना तुहानू लग समझ जांदी कमेटी जाओगे जने कन्न फड़ाए होने जी बिल्कुल दो उस तरह के आते कमेटी नाल कमेटी फड़ाई होनी सी ते नाल ओते कन्न फड़ाए होने तो कन्न फड़ा के ते शेख रशीद नु बिठाया होना जिहड़ा कहिंदे छेती बैंदे ही नहीं आपकी इस हरकत से अगर आपको ये बीवी छोड़ के चली जाती तो फिर कोई गल नहीं मेनू सात सालों में ऑफर मेरी अम्मी मर चुकी है नहीं नहीं मेरा मतलब बोलना लो ऑफर सी के दी छोटी बहन नाल ब्याह कर लो 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 बगैरती करदा ओ तेरा रहे कखना ओ तेरी बेड़िए च बटे तेरी बेड़िए दे विच बंड बड़े मगरमच्छ तेरा एक पैर खा जे तेनु लंगड़ा होगा तुरना फिर तेनु पता लग जाए ओ तेरी छोटी बच्ची दा नाम इना छेड़ दा नाम लैण वाली बिल्कुल सही है तुसी वेखो ए ए शरीफ खावंदे मेरा कदर करो मेरी तेरी कदर गिलगित तो आजाद इलेक्शन जितया मेरी कदर ओ खैर जा तेरी कदर करिए तू एटमी प्लांट ले आंदा ये बताएंगे आपके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा कि आपके मोहल्ले में ये बदनाम है इतने क्या करूं पूरे मोहल्ले में खाली ये बदनामी नहीं है इसने दरख्वास्त दे दी जिस दिन मैं एप्लीकेशन दी थी मेरे बच्चों की स्कूल की फीस माफ हो गई प्रिंसिपल भी पींदा था अब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि बच्चों का क्या मुस्तकबिल है अब बच्चे आपके सामने आप बच्चों के सामने पीते रहे हैं घर में नहीं नहीं अल्लाह माफ बाथरूम में जाके पीते हैं एग्जॉस्ट लगा के तो अब जब बच्चों को पता चलेगा तो आप किस मुंह से मना करेंगे वो तो बड़े होके वो भी पिएंगे कहेंगे नहीं 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 देखो आप कौन सा मना कर बच्चे ते दा मुंह जी बगैर सिगरेट तो नहीं देखदे हां ऐसे मुंह दे विचों यही मुंह दिखाओगे तो कितने दो मुंह है हां बच्चियां ते कोई असर नहीं पैंदा बच्चियां नु एक चीज दा सानू फायदा बच्चियां दा होगा जो बच्चे छेती ना सौंदे हूं मैं उदो वॉशरूम में जाके की सिगरेट पी के धुआ बाहर कमरे वालों मारना सारे 9 बजे सो जाते तेरे बच्चे की असर लोती बच्चे कोई इलाज कराए इसको निजात सेंटर में दाखिल करवा दीजिए ना अच्छा प्लीज आपको आदत किससे पड़ी किस तरह मीनू जी जी मुझे यकीन नहीं ये कहता है कि बस इशा से पड़ी है यार आप खामखा एक शरीफ आदमी का नाम लिए जा रही हैं बार बार बस इशा से पड़ी है इतने बड़े नामवर फन हमारे वो शायर हैं पाकिस्तान के बड़े अच्छे प्यारे बंदे हैं वो जहाँ एक शायर पहुंच जाता है मैं कहना उन्होंने नजर ऐसी जगह पे पहुंच जाती आम शहर की पहुंचती नहीं और बेगम पास बैठी हो तब भी पहुंच जाती है कैसे शुरू कैसे हुआ कैसे शुरू हुआ बताओ शुरू जो चर्च बिल्कुल सस्ती होंगी सी हाँ जी 50 रुपये की मिल जाती थी अच्छा जो ठेके होंगे सन हाँ ठेके उदो मैं 50 रुपये की ली एक दिन अपने सहरे वास्ते क्योंकि मैं इन्होंने जो बेटी का रिश्ता मंगे इन्होंने कहा मैं 50 रुपये की चर्च ले आके दो अब्बा जी आप ऐसे थे आपने बोला मुझे पिलाओ 50 रुपये की पहला सिगरेट बना के मेरे सहरे ने मैंने दिता सी अब्बा जी कि तेरी चाची भी खुश रहती सी मेरी धी भी खुश रहेगी मस्त बैठा रहेगा ना कोई घर लड़ाई पैगी ना रौला पैगा अब्बा जी
आप मुझे बताएं कि अब आप शादी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, मंगनियां तोड़वाती रहेंगी? बिल्कुल कर रही है जी शादी। हूं मैं पहले जिस वे मैं मंगनी तोड़ी ना, हाँ जी, उस तो बाद मैं चाचे छेदे दुकानदार का ताला तोड़े। अच्छा, ठीक है। ओदा मुंडा जागदा सी, फिर मैं ओदा दंद तोड़े। हाँ जी। फिर पकौड़े वाले का अंगूठा तोड़े, क्योंकि मैंने वो पहला पकौड़ा नहीं सी देना। आपकी शादी तो कभी नहीं हो सकती, तो आप तो हर चीज ही तोड़ रही है। अरे बहन, अगर पहला पकोड़ा नहीं देता तो तुम दूसरा ले लेती। दूसरा नहीं, अरे दे ख्याल रख, देखो किड्डे उच्चे ने, कहंदी मेरी बरात लाल हवेली तो आएगी। देखो लाल हवेली है, लाल हवेली तो भावे ना होवे, लाल होके आवे। एक ना थी कि लाल होके आवे हवेली, उससे नाल फिर लाल होके आए जी। जिस तरह भी लाल, मेनू लाल हवेली तो अलावा बरात लाल चाहिए, घोड़ा भी लाल होवे, डोली देखो मैं लाल डोली च बहना, मैं लाल कपड़े पाने, मैं लाल मेकअप करना है, तो मैं लाल बराती क्यों नहीं आ सकते? सब ने रेड कपड़े पहने, सारी जान ने लाल कपड़े पाए थे, उन्होंने बैज लगे होने कुली नंबर 313। सारे नंबर बैज ला के पहुंचे होने, ट्रेन की आवाज आ रही होगी, पिछे जान जा रही होगी। इस तरह की मेरी ख्वाहिश है। देखो हूं मैं बड़े बड़े बंदे लभे ने, एक बंदा मैंने हूं मिले पिछले दिन, तो उन्हें मैंने ऑफर की थी, ते वो चरस नहीं पींदा। अच्छा चलो, ये अच्छी बात, अल्लाह ने बचाया, शुक्र किस्मत हो भाई। रेड पाउडर पींदा? नहीं नहीं नहीं, पाउडर भी नहीं पींदा। अच्छा, वेरी गुड। दो ही चीजें बेचता है। नहीं मतलब ये भी नहीं कि बेचता होवे। अच्छा, ए मतलब थोक च लिया कट्ठी तो फिर लोगों ने बढ़ा वो अगो बेच दे। अल्लाह की रहमत, बड़ा शरीफ खानदान है यार। मुझे तो आप लोगों को बुला के ऐसे लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान में यही काम सिर्फ हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, यही नहीं हो रहा, होर भी बड़े काम हो रहे हैं। तुम पता है फरदौस मार्केट वाला पुल टुटा, वो सड़क बन रही, हाँ जी, अंडर पास, अंडर पास बन रहे, तो ये भी तो कम हो रही। मेरा जो पूरा खानदान बड़ा शरीफ है, जिते हूं मेरी मंगनी हुई। अच्छा, वो अच्छे लोग। सोहरा मेरा 6 महीने जेल च रहा, 3 महीने बाहर रहा। ये शरीफ है? हाँ शरीफ ही है ना, अंदर जाके लोगों ने नेकी दी हदायत। अच्छा, वो जेल में जाके कैदियों को, कैदियों को, हाँ जी, कहते हैं कि ये काम छोड़ दें, छोड़ दें, जुल्म करके जेल च जाना पैंदा, उन्जे अगले जेल च वड़न नहीं देंदे, तुम तो पता ही इस गल। फिर हूं जी मेरी मंगनी हुई ना, वो बंदा जहाज चला मेरा। अच्छा, पायलट है? हाँ, 2-3 बारी इतों लंघिया ना, मैंने लैन आया। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने रोके मैं कि रैंबो साहब का शो हो रहा है, तो कहते ये तो रोज़ का काम है, ये कोई शो ना हो तो चिड़िया वाले पिंजरे च वड़ जाता, मैं चिड़िया रखी है, मैं तोते रखे, मैं कबूतर रखे, भी चिड़िया भी पुछ भी तू रैंबो रखे कि नहीं रखे, वो भी अगली है। हाँ, मैंने भी इनका यूट्यूब चैनल देखा था, एक दिन पूरा शो मूली के साथ कर दिया, मूलियां उगा रहा। हाँ, मूलियां उगा रहा, दसो भी मूलियां सारे उगा ही ने, और मूली जेब च कढ़ लेंदा, भी मैं जादू किया तो मूली निकल आई। होंगे ने बड़े, मैं हूं की जिद न मंगनी, बड़ा नेक आदमी, 3-4 बारी सिर्फ जेब कटता फड़िया गया। अच्छा, 35-40 बारी उन्हें बस कोई मतलब मसीद का गला तोड़े। अच्छा, तो कोई ऐसा ऐप नहीं, ऐप नहीं, नशा नशा कोई नहीं। माशाल्लाह जी, चले आपको फिर नसीब हो, अब आपके मुकद्दर ही ऐसे है। मेरे वर्गा बंदा मतलब। अच्छा, एक मिनट, आप मुझे ये बताए की आप ये छोड़ नहीं सकते? मनहूस चीज है, छोड़ दो। 20 साल हो गए ना मैंनू पींदे, मैनू लगी नहीं ते मैं छड के वे गया। मेरा कहने का मतलब है ये नहीं कि तुम्हारे यहाँ लगी हो या इधर लगी हो, आदत जो तुम्हें लत पड़ गई है भाई। लत तो कई बार लक च भी पई है, नहीं छड़दा। हाँ, लत लग गई मुझे, लत लगी, लत लगी, मैं नहीं छड़ सकता। इसको छोड़ो किसी तरह, क्यों नहीं छोड़ सकता? हुण मजबूरी है। क्या? अच्छा, तक मैं पीती ना हो, यकीन करो मेरा ना ऑफिस दिन लगता है ना मेरा घर दिन लगता है। ऑफिस तो जाता ही नहीं है, ये झूठा चपड़ का ना दिया। केड़ा ऑफिस तेरा है? पूछे इससे ऑफिस कहाँ है? ऑफिस ही है जिसे वो मोटे ने झाड़ू पिया तो नाल सरिया पिया गोल करके जेड़ा मोटे ते पाया हुंदा जी, वो ऑफिस ही हुंदा। ए सारा गुस्सा इसलिए कड्डन दे के इहदे नाल मेरा ब्याह नहीं होया। जानू तू भी गल शुक्र है, मैं तो शुक्र कर रही हूँ, ब्याह नहीं होया मेरे, मेरी तू है तो जान छुट गई, मैं जो अपनी नासा कालिया करके फिर दी रही, कौन जिम्मेदार? अल्लाह ने जान छुड़ा दी, पायलट बंदा मिलिया, हूं जेड़ा अगला जहाज चल। अच्छा, ज्यादा देर हवा च ही रहना, मैंने तो खतरा ही कोई। आपको मुबारक हो, मुबारक हो जी, खैर मुबारक। आप इसको छोड़ेंगे तो आप आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम छोड़ेंगे कि यार इस चीज को छोड़ा भी जा सकता है। हाँ। जरूरी नहीं है, जिसको लग गई है तो लग गई है, आगे आपके बच्चों ने बड़ा होना है, वो कल को खुदा ना खास्ता वो अगर ये हरकत करेंगे तो आप किस मुंह से उन्हें मना करेंगे? रैंबो साहब, गल के यार आप दुश्मन बच्चों क्यों नहीं छोड़ते? रैंबो साहब, असल गल जो बंदा दिल के नीयत कर ले ना, मेरा मेरा चाचा जी जी 20 साल उन्हें चर्च पीती, 20 साल, हाँ जी। अच्छा, अखीर मर गया, तो इसमें मतलब छोड़ने वाला काम है। मतलब नहीं, शुक्र है अल्लाह दा, मैंने तो 21 साल तो होते हो गए, 21 तो होते हो गए। अच्छा जी, गल सुनो रामो साहब, मैं आज तुम्हारे शो के विच वादा करना कि आज तो बाद मैं चर्स नहीं पीऊंगा। शुक्रिया।
पक्की गल है, पक्की गल है। अपने बच्चों का सोचें, अपनी जिंदगी का सोचें, उनका मुस्तकबल बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो कूरी हटा ले। खुश हो सौरा जी? मैं नहीं खुश, मैं नहीं खुश। अब क्यों नहीं खुश हैं आप? नशे ही नु कहिए ना, नशा क्यों नहीं छड़दा? हाँ, नशा को पीना कहना पीपी के मुकाम पे गए। हौली हौली मुका रहे। अब्बा जी अच्छा सोचिए, सोवा अज वादा कर लेगा रात को, फिर लोग जो सारे सो जाने जनाब जाके किचन च लोग। ये तो हमने सुना है कि ये जो लत पड़ जाती है फिर आप जो मर्जी करें ये छूटती नहीं। रैंबो साहब तुहाडे शो च वादा करके जा रहे हैं आज तो बाद। अगर आज के बाद आप मेरे बाप के सर की कसम खाइए। मैं तो कहना तत्ते तवे ते भी खलो के कसम खावे ना तो मैं नहीं मानूंगा। मैं तत्ते तवे ते क्यों ए डाला अगे पुजिया पे और के ना कि तत्ते तवे ते नु खड़ा तू चल दे पट्टे। नहीं नहीं, एक खलो के सब खाए मैंने। एक मिनट जी, सर पे हाथ रख के आप कसम खाए। बिल्कुल मेरे अब्बा जी के। हां जी चलो चाचा जी, कोई नहीं बुजुर्ग वड्डे हो तुसी, अगर एक नौजवान बंदा फैसला कर रहे अपनी मां प्यो की कसम खा, क्योंकि जो उन्हें भी बारी है मैं अजे बड़े काम कर। एक फुल मोतिये दा मार के जगा सो बुए अगे चिकतान लई आशका तो सोना मुखड़ा लुकान लई सजना ने बुए अगे चिक कैसे मेरे अब्बा जी को आरे लगा दिया मेरे इन गानों की वजह से। अम्मी मरी है मेरी, ये गाने सुन सुन के अम्मी मरी है। जी हाँ, नॉन स्टॉप तस्वीर तेरी, तेनू रब ने बनाया जिस तरह कि रश के सौ रुपया लग गया मैं प्रेम नादी अम्मी लगन डे। लेकिन इस वेले मेरे इश्क तो मेरी मोहब्बत मेरा प्यार मेरा राजा मिल गया, मेरे खापा का शहजादा आ गया। रैंबो साहब तुहाडे शो की मुबारक होवे, तुहाडे शो तो सिर्फ मैनूं इही बचिआ कि मेरा घर बस गए। बस घर तो साडा इंज बसणा जिवें सावण भादरों का मीह बसदा। बसणा तुहाडा मूंह पहले ही चौंदा, मेरे ते वी छिटे पौणे ने। आप कोई इतराज तो नहीं अगर अब ये इनकी साबका मंगेतर आपके अबू से ब्याह दी जाए? नहीं अच्छी गल है, बिजी हो जाएंगे घड़ी मुड़ी साढ़े कमरे च भी आ जाते हैं। मैं तेरी हीर है, तू मेरा रांझा, रांझा वंजली बजाउंदा सी, तू घर बैठा पतीली बजाउंदा रहे। मायला शादी कर लो, मैं बता दूं अब्बू के पास पैसा कोई नहीं है। पैसा कोई नहीं, सानू पैसे की लोड़ नहीं, जिथे मुहब्बत हो जाए प्यार हो जाए इश्क हो जाए उत्थे पैसे आपे ही आने शुरू हो जाते। मेरी बीवी जहान जहान मेहनत करके मैं कमा के खवा सकती है। मैं तेन सुन करने वाला टीका रेहड़ी च पा के पूरा बाजार मंग लिया कर सुते रहना। अल्लाह की रहमत नाल नोटां की बरसात होनी है। मैं तो घर भावे सिगटा पीवा भावे किलो किलो दुध पी लवा। नेड़े आ आ आ जाल मामे उड कोठे तो कामावे आपको मुबारक हो कि आप इन्होंने छोड़ दी है। और ये आप अगर मैसेज दे दें कि आप नशा कितनी बुरी चीज है ताकि आने वाली नस्लें जो हैं इससे बच के रहें। बिल्कुल रैंबो साहब, नशा बहुत बुरी चीज़ है, यकीन करो। अज एहसास होया तुहाडे शो च आके कि चरस नहीं पीनी चाहिए। मैं जिहड़ा
ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਬਸ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਸ਼ਾ ਪਾਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਗਰਟ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਮੁਕਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया शुक्रिया नवाज नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी नवाजिश करम शुक्रिया खातिन हज़रात मैसेज करके बताइएगा कि आज का शो आपको कैसा लगा अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ रब रखा आप देख रहे हैं जान रैम्बो YouTube चैनल टैन टैन देखते रहिए हाँ ना